चलो मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूं। तुम तो पहुंच गए ना ऑफिस? हाँ चलो ठीक है। ओके ओके ओके। ये तुम क्या अफान के कान भरती रहती हो? तुम्हें इज्जत दी है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। मैंने किसी के कोई कान नहीं भरे, और रही बात इज्जत की, तो इज्जत देने वाली जात अल्लाह पाक की, इंसान के इख्तियार में नहीं। मेरे सामने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। एक बात और, ये जो तुम वलीमे के ख्वाब देख रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। वलीमे के ख्वाब आपका बेटा देख रहा है, मैं नहीं देख रही। समझाने की जरूरत आपके बेटे को है, मुझे नहीं। बस आज तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। रात में मैं खुद तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़कर आऊंगी। इसके लिए आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अफान से कह दीजिए वो छोड़ आएगा। बेटे को तो तुमने पूरी तरह से काबू कर रखा है, वो ये काम नहीं करेगा, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इतना तो समझ चुकी हूँ मैं। अगर आप अपने बेटे को समझा सकती हैं, तो आप समझा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगाए। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? जब तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी ना, तब कहना ये बात। आपकी भूल है कि आप मुझे इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरे बेटे के बाप का घर। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हारे बेटे का जोम तो मैं खत्म करूंगी जब तुम्हें अकेले यहां से जाना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इस खौफ से बाहर निकलने के लिए अफान की बात मान लेनी चाहिए।